हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदेश सरकार द्वारा किराए में 25% बढ़ोतरी किए जाने पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया गया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान जयराम सरकार को इस निर्णय को वापस लेने को कहा, अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी इस आंदोलन का प्रदेश स्तर पर तेज किया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनवादी नौजवान सभा के प्रदेशाध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किराए में 25% बढ़ोतरी की गई है, जिससे गरीब वर्ग काफी आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा जन विरोधी फैसला लिया गया है, जिससे लोगों पर पहले से ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार एक बार फिर से जन विरोधी फैसला लेकर आई है। अनिल मनकोटिया ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश स्तर पर आंदोलन को तेज करेगी। हिमाचल प्रदेश में जो जयराम सरकार ने हाल ही में लगभग 2 दिन पहले जो है जो 25% बस किराए में वृद्धि की है, और हिमाचल प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जब से स्पेशली जब से कोरोना जैसी महामारी जो है जो फैल रही है, ऐसे दौर के अंदर जब लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी जो कम हुई है, लोगों के ऊपर जो है वो आर्थिक तौर पर पहले से ज्यादा बोझ पड़ा है, ऐसे दौर के अंदर जो है जयराम सरकार एक बार फिर से जनता विरोधी निर्णय लेकर आई। उन्होंने 25% जो बस किराए के अंदर वृद्धि की है, ये सरेआम जो है आम जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक हमला है। हम आज भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस गांधी चौक हमीरपुर में जो है इस निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि जयराम सरकार इस निर्णय को जो है तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा इस आंदोलन को जो है पूरे प्रदेश स्तर पर जो है और ज्यादा तेज किया जाएगा। जोगिंदर ने कहा कि ऐसे दौर में जब पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरी मानवता कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लोगों का रोजगार छिन रहा है, लोगों के जीवन पर संकट छा गया है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे उनकी मदद करे। इसके बजाय सरकार 25% किराया बढ़ाकर लोगों को लूटने का काम कर रही है। जोगिंदर ने कहा कि देश के अंदर 20 रुपए से भी कम तेल की प्रोडक्शन कॉस्ट है, जबकि उसे 4 से 5 गुना ज्यादा महंगा करके बेचा जा रहा है, जिससे लगातार महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को लूटने के लिए कई प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार टैक्स को कम कर देती है तो बस ऑपरेटरों को इससे मदद मिलेगी और जनता को भी राहत मिलेगी। जोगिंदर ने कहा कि कोरोना काल की इस घड़ी में सरकार द्वारा इस प्रकार के निर्णय लेना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा सीपीएम प्रदेश स्तर पर आंदोलन तेज करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किराए में 25% बढ़ोतरी की है, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। पार्टी का मानना है कि ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया, पूरा मुल्क और पूरी मानवता और हमारा मजदूर जमात इस महामारी से जूझ रहा है, लोगों का रोजगार छीन रहा है, लोग बेरोजगार हुए हैं और लोगों का जीवन पे संकट बना आया है, ऐसे समय में सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए, उसको राहत देनी चाहिए। मगर हिमाचल प्रदेश सरकार 25% किराया बढ़ा करके लोगों को गरीब मार कर रही है, लोगों को लूटने का काम जो है ये सरकार कर रही है। हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की कीमतें हैं आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1992 के हिसाब से हैं, मगर देश के अंदर जो तेल है वो 20 रुपए से भी कम प्रोडक्शन कॉस्ट है उसकी, और उससे 4 से 5 गुना ज्यादा महंगा करके बेचा जा रहा है, और उसकी वजह से जो है लगातार महंगाई बढ़ रही है। इसके साथ ही जो गाड़ियों के ऊपर टैक्स है, तरह तरह के टैक्स, ग्रीन टैक्स है, कोई रोड टैक्स है, कोई एमवी टैक्स है, सरकारों ने लोगों को लूटने के लिए तरह तरह के टैक्स लगाए हैं। अगर सरकार इन टैक्सों को कम करती है तो जो निजी बस ऑपरेटर हैं उनको भी बहुत मदद मिलेगी और जनता को जो है इससे राहत मिलेगी। इसलिए पार्टी का ये मानना है कि इस तरीके का बोझ डालना ऐसे समय के अंदर जब कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है, जनता जूझ रही है, तर्कसंगत नहीं है और ये घोर जनता विरोधी निर्णय है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इस निर्णय को तुरंत वापस ले, अन्यथा आने वाले समय के अंदर सीपीएम एक बड़ा आंदोलन करेगी जिससे इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी।